हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि नवोदय की क्लास बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करेंगे और उस बेसिक्स में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ना और घटाना। क्या होता है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने बेसिक्स को इतना ज्यादा जबरदस्त कर लेना चाहिए कि हमारे सामने कोई भी समस्या ना आए। आज मैं जब लाइव क्लास ले रहा था, तो मेरे दिमाग में क्यों आया कि इतनी छोटी सी टॉपिक, हो सकता है कि आप जितने बच्चे देख रहे हो इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो ये क्वेश्चन फटाफट कर जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे डियर स्टूडेंट जो कि ऐसे सवालों में आज भी दिक्कत महसूस करते हैं कि पहले अगर माइनस आ गया बाद में प्लस आ गया तो कैसे करते हैं, कुछ अलग ही उनका चल रहा है लेवल। तो आज मैंने क्लास में ऐसा इंस्पेक्शन किया तो मुझे पता चला कि बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं कक्षा 4 में कक्षा 5 में पढ़ने वाले जिनको ये बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखते हैं कि ऐसे सवालों के जवाब कैसे दिए जाते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले मैं ये जो 4 सवाल आपके सामने लिखा है, मैं ये चाहूंगा कि आप पहले खुद देखें कि क्या ये सही है, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए सबसे पहला सवाल है कि +20 - -30 = 10, क्या बात सही है? सही है, पक्का? आपको लग रहा है कि सही है, कुछ लोग गलत बोल रहे हो, कुछ लोग सही बोल रहे हो, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। मैं तो कह रहा हूं सही है, ये गलत कैसे हो गया? अभी देखते हैं, ठीक है? टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं। चलो नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए। ये तो पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए डियर स्टूडेंट्स। -15 - -15 + 10, यहां पर 5 लिखा है, सही है, पक्का सही है? ये आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अरे भैया, हर चीज तो आप गलत बोल दे रहे हैं, आपकी सही क्या है? तो इसको भी गलत काट दें क्या? इसको भी गलत काटते हैं, सही है कि गलत है? ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अब आप इसमें बताइए कि ये सही है या गलत। चलिए जल्दी से बताइए, यहां पे -5 है, यहां पे -20 है, यानी कि -5 और -20, 15 होगा क्या? ना, यानी ये भी गलत है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हमारा दिमाग कैसे चलेगा और क्या होता है इनका बेसिक्स, क्या होता है इसका सबसे बेसिक्स फॉर्मूला की ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं इसका सही जवाब देखना। चलिए देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ जाए तो आपको हम दो तरीका बताते हैं। एक जनरल तरीका जिसमें आप बिल्कुल ऐसे जैसे आप दुकानों पे जाते हैं सामान खरीदने, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे गए सामान खरीदने, सामान था कितने का? सामान था मान लो 20 रुपए का, और आपने और आपके पास केवल 10 रुपए थे। देखिएगा डियर स्टूडेंट, हमारे घर 20 रुपए का सामान था, आपके पास थे केवल 10 रुपए। क्या थे? 10 रुपए। और आपको सामान लेना है तो आप क्या कहिएगा? क्या दे दो यार, लीजिए दे दो यार। तो ऐसे तो देगा नहीं, तो क्या कहेगा? कहेगा कि तुम अब क्या हो गए, अब तुम 10 रुपए, अब ये 10 रुपए उसको दे दिए और 20 रुपए का सामान तुम ले आए, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम 10 रुपए क्या हो गए? उधार हो गए। तुम 10 रुपए उधार करवा के चले आए, यानी कि तुम 10 रुपए कहां चले गए? माइनस में चले गए। बोलो है ना? तो चाहे ये वाला जुगाड़ लगाइए और चाहे अभी हम आपको एक और ट्रिक बताते हैं, आप उससे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन सबसे पहले आप यहां पे आइए, क्वेश्चन नंबर 1 में आइए और हम यही उधार वाले सिस्टम से ही समझते हैं। ओके, चलिए देखिए कि आपके पास, आप क्या थे यहां पर देखिएगा ध्यान से, आप 30 रुपए उधार थे, आप क्या थे? आप 30 रुपए माइनस में थे, उधार थे, और आपने 20 रुपए दे दिए, आपने 20 रुपए दे दिए, तो 30 रुपए आप उधार थे और आप 20 रुपए दे दिए, तो अभी भी आप क्या हैं? उधार हैं कि नहीं है? हैं। कितने रुपए उधार हैं? यस, 10 रुपए। और उधार है का मतलब क्या? बढ़िया, उधार है का मतलब माइनस में है, वेरी नाइस। यानी कि भैया यहां पर माइनस लगेगा, क्या लगेगा? माइनस लगे। अब बातें समझ में आने लगी कि नहीं? यस, बिल्कुल। कम ऑन जल्दी सीधा किधर।
आप 15 रुपए उधार थे, डियर जल्दी से कमा, आप 15 रुपए उधार थे, आप 15 रुपए उधार थे, आपने 10 रुपए चुका दिए, आपने 10 रुपए चुका दिए तो कितना बचे? अरे यार इधर देखो, 15 रुपए उधार थे, 10 रुपए आपने चुका दिए, अभी तो 5 रुपए उधार हो ना, तो उधार का मतलब माइनस, उधार का मतलब माइनस, यानी कि क्या, यानी कि 5 रुपए माइनस, यानी कि 5 माइनस। बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, अगर ये बात आपको समझ में आए तो बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिएगा, 2 क्वेश्चन और करवाने दीजिए, उसके बाद हम आपको जो ट्रिक बताएंगे आप हमेशा हमेशा आप सारे क्वेश्चन करा लीजिएगा। चलिए धराइए, चलिए धराइए, आप 10 रुपए उधार थे, आप 10 रुपए उधार थे, आपके पास आ गए 20 रुपए, तो यानी कि 10 रुपए आपका उधार वाला भी खत्म हो गया और आपके पास 10 रुपए प्लस हो गए, तो 10 रुपए प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस 10 और प्लस 10 लिखा जाए या केवल 10 लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं होती डियर, यानी कि ये बात बिल्कुल सही थी, ये बात बिल्कुल सही थी। चलो जल्दी से यहाँ पे आओ, आप 5 रुपए उधार थे, आप 20 रुपए और उधार हो गए, आप कितने रुपए उधार हो गए डियर, आप कितने रुपए उधार हो गए, आप 25 रुपए उधार हो गए, यानी कि ये बात गलत थी, हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था -25। तो मेरे ख्याल से आपको ये उधार वाले सिस्टम से इस सवाल को लगाने में थोड़ा सा मदद मिली होगी, लेकिन एक ये बात होती है कि आप हमेशा उधार लेना है ना, प्लस में होना माइनस में होना, ये बातें तो यार हमें नहीं समझ में आती यार। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लगाएंगे दूसरी और बिल्कुल मैथ्स वाली बुद्धि, गणित वाली बुद्धि। गणित वाली बुद्धि में क्या करना पड़ता है डियर, इधर देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। कभी भी जब दो निशान हो, ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब दो निशान हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो आप क्या करिए, आप सीधे क्या करिए कि आप बड़े में से छोटा घटा लीजिए, क्या करिए आप बड़े में से छोटा घटा लीजिए और बड़े वाले के सामने जो निशान हो वही निशान आप लगा दीजिए। समझ जाएगा भैया, समझ लीजिए, एक बार फिर से बताइए, मैं ये कह रहा हूं अगर दो निशान अलग अलग हो, दो निशान अगर अलग अलग हो तो आप क्या करेंगे, आप बड़े में से, ध्यान से दीजिएगा, बड़े में से घटाइए कौन सा, छोटा, छोटा ये घटा लेंगे और आगे निशान कौन सा लगेगा, बड़ा का, बड़े का निशान लगेगा, किसका लगेगा, बड़े का। तो ये लिख के बताए हैं, करके दिखाइए तो जाने, आओ आओ करके दिखाते हैं। अब देखो यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो दोनों निशान अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है, तो आप क्या करिए बड़े में से छोटा घटा लीजिए, तो 30 में से 20 को घटाइएगा कितना आएगा, 10 आएगा, बहुत बढ़िया 10 आएगा, 10। और ये बताओ कि बड़े के आगे कौन सा निशान है, माइनस है, तो यहां पे माइनस लगा दो। समझ गया पक्का, बहुत बढ़िया, चलो इधर आओ, यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, तो दोनों निशान अलग अलग हैं, दोनों निशान अगर अलग अलग हैं मेरे भाई, तो ये बताओ कि आप क्या करोगे, भैया आपने ही तो बताया घटाएंगे, तो चलो ठीक है घटाओ, घटाए तो अब 15 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा, और आपने कहा कि बड़े का निशान लगा देंगे, तो देखो बड़ा क्या है, 15 के आगे क्या है, माइनस, यहां पे आप माइनस लगा दो, देखो यही सेम सेम आया कि नहीं, अब बातें समझ में आने लगी होंगी पक्का, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो इधर फिर से देखो, यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, तो बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े में से यानी 20 में से छोटा घटाओ, 20 में से 10 गया आया 10, और बड़े का निशान लगाओ यानी कि प्लस, यानी कि यहां पे आएगा क्या, प्लस 10। बातें समझ में आ रही है, वेरी गुड, चलो कम ऑन जल्दी से। अब बात यहां पे आती है दूसरी चीज, अगर दोनों निशान समान है, अगर दोनों निशान समान है तो हमें क्या करना चाहिए डियर, हमें दोनों संख्याओं को जोड़ लेना चाहिए, ध्यान सुनना, अगर दोनों निशान समान है, कैसे हैं, समान माने एक जैसे हैं, समान है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, यस जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इसको आप बिल्कुल नोट्स बना रहे होंगे तो एक एक बात लिख लीजिएगा, अगर दोनों निशान एक समान है तो हम उसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद वही निशान लगा देंगे जो इनके सामने है। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, यानी कि 20 और 10 कितना हो गया, 20 और 5 25, और इन दोनों के सामने कौन से निशान है, माइनस माइनस के, तो यानी कि यहां पे हो जाएगा माइनस।
मेरे ख्याल से चाहे उधार वाले सिस्टम से आप समझिए और चाहे आप इस वाले मेकर से समझिए जो मैंने आपको बताया है कि अगर दोनों निशान अलग अलग हैं तो बड़े में से छोटा घटाना है और बड़े का निशान लगाना है। यहाँ पे देखिए बड़े में से छोटा घटाना है तो 20 में से 10 को आपने घटाया आया 10 और बड़े का निशान लगाना है यानी कि प्लस। बोलिए हाँ या ना। अगर अगर दोनों निशान एक जैसे हैं, अगर दोनों, अरे भाई देखो ना, जब आपको कहा जाता है 20 प्लस 20 कितना होगा तो बिना सोचे समझे क्या बोलते हो 40, लेकिन ये 40 कैसे आया है जरा देखो तुम कि इसके भी सामने, जिसके सामने कोई नहीं उसके सामने प्लस, जिसके सामने कोई नहीं उसके सामने प्लस, तो प्लस यहां पे भी है प्लस यहां पे भी है, दोनों समान निशान है तो दोनों समान निशान है तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो दोनों को जब जोड़े तो 20 20 40 और दोनों के सामने कौन सा निशान है प्लस, तो प्लस आप लगा दीजिए, प्लस आप लगा दीजिए, वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैं ये मानता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुए होंगे, तो चलिए यहां पे छोटा सा ब्रेक लीजिए और इन सारी चीजों को आप अपनी नोट्स में उतारिए, इन सारी चीजों को आप नोट्स में उतारिए, फिर हम लेकर आते हैं कुछ जबरदस्त 4-5 क्वेश्चंस जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, वेरी चलो डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया है और अब एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलो आओ, सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए पहले तो आप ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है पहले हम लोग इनको निपटा देते हैं। ओके, चलिए ये बताइए कि इसमें कितना आएगा, आप लोग कर चुके होंगे मेरे ख्याल से, एक काम करिएगा पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके ये जो सातों क्वेश्चन हैं इन सातों क्वेश्चंस को आप उतार लीजिए। ओके डियर, और उतारने के बाद इनको आप प्रैक्टिस करिए और इनका आंसर लगा के रखिए, फिर अब हम बताएंगे और उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए। ओके, चलिए मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज किया होगा, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो चलिए मिलाइए अपना आंसर। सबसे पहले ये वाला देखिए, यहां पे मैंने क्या बताया था, दोनों निशान अलग अलग हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा घटा लीजिए, भाई 80 में से 65 गया, 80 में से 65 निकालिएगा कितना आएगा, 80 में से 65 निकालिएगा कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15 आएगा, और बड़े का निशान लगा दीजिए यानी कि यहां पे आ जाएगा आपका -15। कितनों का सही गया कमेंट करके हमें बताइए कि सेकंड वाला कितनों का सही हुआ, बिल्कुल नीचे कमेंट करके तुरंत हमें बताइए। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया, अब आइए डियर यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, ये 96 है यानी 96 है और ये 80 है, और ये 80 है, ये प्लस है ये माइनस, यानी दोनों निशान डियर अलग अलग है, बहुत बढ़िया। अगर दोनों निशान अलग अलग हो तो बड़े में से छोटा घटा लेते हैं, 96 में से 80 घटाइएगा कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16, और 16 लेकिन सामने क्या लगेगा प्लस या माइनस, अब देखो यहाँ पे 96 बड़ा है और बड़े के सामने कितना है प्लस है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 16 प्लस। मेरे ख्याल से भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, नीचे कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपका दोनों सही हो गया, वेरी गुड। चलिए आइए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर पहले पे आ जाइए। अब आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 5-5 चीजों को एक साथ जोड़ना है या घटाना है तो कैसे करिएगा, अब क्या करिए, सबसे पहले जो समान निशान है, जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो समान निशानों वालों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो 20 30 20 50 50 10 60, तो यहाँ पे हो गया 60, लेकिन तीनों के सामने माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगा दीजिए, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा 45 और 40 10 50, यहाँ पे लिखिए 50, और दोनों के सामने क्या है प्लस प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। अब फाइनली क्या हो गया, एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े में से छोटा घटा लीजिए, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 60 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा डियर, आएगा आपका 10, लेकिन बड़े का निशान लगाना है, बड़े का निशान का मतलब 60 के आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, यानी पहले का आंसर आपका आएगा कितना -10। ओके, वेरी गुड। चलिए यानी कि पहला क्वेश्चन भी आपका हो गया, पहला क्वेश्चन भी आपका हो गया। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए डियर, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले क्या करिए दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 90 और 90 10 100, यहाँ पे 100 हो जाएगा, दोनों के आगे माइनस माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब ये प्लस कितना है, प्लस
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 10 100 होगा और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगा दिए पहले ही, और 100 और 80 कितना हो गया 180। अब देखो भैया यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, दोनों निशान अलग अलग हैं। अब दोनों निशान अगर अलग अलग हैं तो बड़े में से छोटा घटाया जाता है, 180 में से 100 घटाइएगा आएगा यहाँ पे कितना 80, कितना आएगा 80। अब जब 80 आ गया अब कौन सा निशान लगाएंगे, अब देखिए 180 बड़ा है कि 100, 180 बड़ा है कि 100, 180 बड़ा है ना, अब इसके सामने देखिए कौन सा निशान है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर आप कमेंट करके बताइए। इसको हम नहीं बताने वाले भाई, नहीं बताएंगे कि बता रहे हैं बता दें, चलो मिला लो। अच्छा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो सारे के सारे प्लस एक साथ जोड़ लिए जाएंगे, तो ये 80 40 120 और 10 130, यहाँ पे हो गया 130 प्लस का, और माइनस कितना है, माइनस का 80 है, तो दो निशान अलग अलग हैं, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, 130 में से 80 घटाइएगा कितना आएगा, जल्दी से बताइए 130 में से 80 घटाइएगा कितना आएगा, कितना आएगा भाई 50 आएगा, कितना आएगा 50 आएगा, किसका निशान लगेगा प्लस या माइनस, तो देखिए बड़ा क्या है, बड़ा क्या है 130, 130 के आगे क्या लगा है प्लस, तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस, चाहे प्लस लगाइए और चाहे केवल 50 लिख दीजिए, दोनों बात बिल्कुल सही है, दोनों बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल डरने की नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आंसर सही है। ओके डियर, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स में आ जाइए डियर, क्वेश्चन नंबर 6 अब आप हमें करके बताइए, क्वेश्चन करके बताइए, चलिए जल्दी से बताइए, बताइए। तो देखिए कैसे करिएगा, देखिए यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है, तीन प्लस है, तो तीनों जोड़ लीजिए 10 30 10 40 और 40 40 80, यानी प्लस का 80। अब यहां पे देखिए, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, तो 60 20 60 और 20 80, यानी कि माइनस माइनस लगा है, तो यहां पे माइनस लिखिएगा, माइनस का 80। अब ये बताओ दोनों तो बराबर हो गए, इसका मतलब आपके पास 80 रुपए थे और आप 80 रुपए उधार हुए थे, आपने चुका दिया, आंसर आया 0। जब दोनों बराबर हो तो बराबर होने पे क्या करते हैं, बराबर होने पे बड़े में से छोटा, लेकिन यहाँ पे तो बराबर है तो घटा दीजिए, 80 में से 80 गया शून्य, न प्लस लगेगा न माइनस, शून्य मतलब शून्य, 0। ओके वेरी गुड, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त है डियर, इसको आप अपने मन से लगाइए और नीचे कमेंट भी करके हमें बताइए कि आंसर कितना आया है। ओके तो मेरे ख्याल से सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और हमें आंसर आपने कमेंट भी किया है, कुछ लोगों के आंसर सही होंगे, कुछ लोगों के नहीं सही होंगे। चलिए देखिए मिलाइए किसका सही है, तो यहाँ पे प्लस, तो ये बताइए 100 और 90 कितना होगा 190, बहुत बढ़िया, लेकिन प्लस का 190। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो 200 और 40 कितना हो जाएगा -240। अब देखिए डियर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों निशान अलग अलग हैं, अगर दोनों निशान अलग अलग हैं डियर तो क्या करोगे, बड़े में से छोटा घटा लोगे, जब बड़े में से छोटा घटाओगे तो 0 में से 0 गया, 0 आया, यहां में 14 में से 9 घटाना पड़ेगा, 14 में से 9 घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पे पांच आएगा और यहाँ पे एक बचा, एक में से गया 0, चाहे 0 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई बात नहीं, और बड़े का निशान लगेगा यानी इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, क्या लगेगा माइनस लगेगा, यानी कि आपका आंसर कितना आया डियर, आपका आंसर आया माइनस का 50। तो क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई, पक्का बताइएगा, अरे भाई 190 था, 190 में जैसे मान लीजिए 240 रुपए आप उधार थे, 240 रुपए आप उधार थे और आपने 190 रुपए चुका दिया, तो अभी भी तो 50 रुपए उधार हो ना यार, अभी तो भी 50 रुपए उधार हो, है कि नहीं,
बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे जोड़ने और घटाने के। कल हम लोग क्या सीखेंगे, कल हम लोग गुणा और भाग सीखेंगे कि कैसे अगर प्लस माइनस दोनों निशान साथ में आ जाते हैं तो किस तरीके से जोड़ना घटाना या गुणा करना या भाग करना होता है। यानी कि यहां से हमारी शुरुआत होने बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से, और हम लोग जाएंगे बिल्कुल टॉप लेवल तक। और ये सारी की सारी वीडियोस आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट आपको नहीं देना है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, कुछ भी नहीं। बस आप डेली आप अपना समय दीजिए और सारे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। किसी को किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट में करिए, कमेंट करके आप हमें बताइए, हम आपके लिए सारी की सारी वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल जबरदस्त ढंग से शूट करने के लिए रेडी है। बस आप पढ़ते रहिए, जबरदस्त रिजल्ट आना चाहिए। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो जैसे डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चैनल को ऐसे लाल वाला बटन जो हुआ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। ओके डियर, चलिए ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।